नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति में आज पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख छतरियाँ। देखो, हमारे राजस्थान में मध्य काल में जब हम राजवंशों का इतिहास पढ़ते हैं, है ना, तो तब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जो भी रियासतें, एक तो इन रियासतों के जो राज परिवार के लोगों की जब मृत्यु हो जाया करते थे तो उनको एक विशेष स्पेशल जगह थी, विशेष जगह है, वो छतरियाँ बना दी जाती थी। तो एक तो ध्यान रखना है कि हमारे राजस्थान में ऐसी छतरियों का एक बहुत बड़ा एक बड़े ग्रुप भी है ना। तो एक तो क्योंकि एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा, पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि छतरियों में राज परिवार की छतरी है ना, शाही शमशान घाट बोलते हैं जिनको, एक तो वहाँ से सवाल बनता है, या कोई स्पेशल कोई विशेष जो व्यक्तित्व है उनकी छतरी है जिनसे सवाल बनता है। तो आज अब आप पढ़ांगा कि राजस्थान में प्रमुख छतरियाँ, जैसा कि आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो तो आप राजस्थान की आज प्रमुख छतरियाँ कट कट सीख सिया पढ़ लेने वाला और एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है। तो मैं लिख रहा हूँ, हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। देखो, आप जिलेवार संभागवार पढ़ लेंगे। सारों ने पहले यदि आप बात करा तो आप बीकानेर की बात कर लेते हैं। पहले जो जो इम्पोर्टेंट है उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं ना, बाकी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बड़े बड़े रियासतों का देख लेते हैं। तो जी हाँ, ध्यान है कि बीकानेर है, तो बीकानेर के राठौड़ राजवंशों का शाही शमशान घाट है, देवी कुंड सागर, बीकानेर के अंदर एक गांव है ना, देवी कुंड सागर, वहाँ बीकानेर के जो शाही शमशान घाट है, ठीक है। और कैसे याद रखना है बीकानेर में, और याद रखना बीका की छतरी, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीका की छतरी, बीका वहाँ का राजा है, राव कल्याणमल की छतरी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कल्याण सिंह बीकानेर के राजा है। उसके अलावा यदि हम बात करें गंगा सिंह, सबसे इम्पोर्टेंट है गंगा सिंह की छतरी, बीकानेर में योगी और कहाँ होगी ना। इसके अलावा LP टेसी टोरी, ये इम्पोर्टेंट है, LP टेसी टोरी की छतरी, ये भी कहाँ हो जाएगी आपकी, बीकानेर में। तो बीकानेर में इतनी छतरियाँ याद रखिए, बीकानेर का शाही शमशान घाट है वो होता है देवी कुंड सागर, उसके अलावा बीका, कल्याणमल, गंगा सिंह और LP टेसी टोरी की छतरी, LP टेसी टोरी वाली भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बीकानेर के बाद आप अब आ जाओ आप जैसलमेर। देखो, जैसलमेर की यदि हम बात करें, देखिए यदि हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में कई छतरियाँ हैं जो हमें याद रखनी है। पहली बात तो जैसलमेर का जो भाटी राजवंश की जो शाही शमशान घाट है वो है बड़ा बाग। अब एक बात बताऊं, बड़ा बाग की छतरियाँ, ये इनका शाही शमशान घाट है भाई। एरिया वाइज राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, तो बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ होंगे, जैसलमेर। उसके अलावा याद रखनो लोधरवा में कौन सी है, मुमल की छतरी है, मुमल वहाँ की राजकुमारी थी ना, तो मुमल मेड़ी आपसे पूछ ले तो जैसलमेर में कहाँ है, लोधरवा में है। और याद रखना आपसे पूछ ले पाली वालों की छतरी, पाली वालों की छतरी, तो ये तो आपको याद ही है, पाली वाल जैसलमेर में कूलदरा में थे, तो ये याद रखिए। तो जैसलमेर में बड़ा बाग, मुमल मेड़ी, लोधरवा और पाली वालों की छतरी, क्लियर है। सबसे पहले बड़ी बड़ी रियासतों की बात कर लेते हैं, उसके बाद यदि हम बात करें जयपुर की, जयपुर जो रियासत है तो मैं जयपुर की बात कर लेता हूँ भी, जयपुर में कौन कौन सी छतरियाँ। तो पहली बात, जयपुर का जो शाही शमशान घाट है उसका नाम क्या हो गया, गेटौर, तो गेटौर की छतरियाँ ऐसे याद रख लीजिए। कैसे, जयपुर के अंदर गेट बहुत ज़्यादा, अजमेरी गेट है, नागौरी गेट है, वगैरह वगैरह याद रहिएगा, सांगानेरी गेट है, चांदपुल है, तो जयपुर के अंदर गेटौर की छतरियाँ, शाही शमशान घाट है। उसके अलावा बताओ मानसिंह जयपुर का राजा है कि नहीं है, तो मानसिंह की छतरी, और मानसिंह की छतरी कहाँ है, याद रखना हाड़ीपुरा में। मैंने जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाया था तब बताया था हाड़ीपुरा आमेर में, ठीक है। ईश्वर लाठ या इन्हें बोला पास सरगासूली, ईश्वर लाठ या सरगासूली जयपुर के अंदर है, त्रिपुलिया बाजार में था, नहीं याद है, ईश्वर सिंह ने बनाया था, ईश्वर लाठ या सरगासूली मीनार टाइप है। उसके बाद आप आइए अमर जवान ज्योति स्मारक, ये भी जयपुर में, अमर जवान ज्योति स्मारक, तो अमर जवान ज्योति स्मारक भी कहाँ हो जाएगा, जयपुर। तो जयपुर में मेन छतरी तो याद रख लीजिए, जयपुर का जो मेन है शाही शमशान घाट हो तो गेटौर की छतरी है, फिर मानसिंह की छतरी आमेर में, हाड़ीपुरा में, इसके अलावा ईसर लाट या सरगासोली आपको पता है जयपुर के त्रिपुलिया बाजार में, अमर जवान ज्योति स्मारक भी जयपुर में है। चलिए उसके बाद मैं आपसे पूछ लेता हूँ अलवर। देखो अलवर की यदि हम बात करें ना
तो अलवर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो अलवर की छतरियाँ कैसे याद रखनी है, अलवर में सबसे इंपॉर्टेंट है मुसी महारानी की छतरी। देखिए मुसी तो 80, मुसी 80 राइम्स की बन रही है, तो अलवर में ध्यान रखना मुसी महारानी की छतरी है, मुसी महारानी की छतरी जिसे हम क्या बोलते हैं 80 खम्भों की छतरी। तो मुसी महारानी की छतरी या 80 खम्भों की छतरी, मुसी तो 80। और कौन कौन सी है, बख्तावर सिंह की छतरी है, भाई बख्तावर सिंह वहाँ का राजा है, तो बख्तावर सिंह की क्या हो जाएगी, छतरी हो जाएगी। तो इसके अलावा नेड़ा की छतरियाँ और क्या है, टहला की छतरी, नेड़ा की छतरी और टहला की छतरी। कैसे याद रखना है, टहलांगा जो नेड़े टहलांगा मतलब चिपक चिपक है, तो मुस गया ना, तो मुसी रानी तो 80 हो जाएगा और एक बख्तावर सिंह की छतरी। सिंपल अलवर वाला याद हो गया आपके। अलवर के बाद मैं भरतपुर की बात कर लूँ तो बहुत इजी है, भरतपुर में याद रखिए भरतपुर में अकबर की छतरी है, भरतपुर याद रखिए, भरतपुर में आपको याद रखना है किसकी छतरी है, अकबर की छतरी कहाँ है भरतपुर। क्लियर है। भरतपुर के बाद मैं धौलपुर की बात कर लेता हूँ, भरतपुर के बाद धौलपुर। यदि आपसे धौलपुर की पूछ ले तो धौलपुर में आपको याद है निहाल टावर है, निहाल सिंह ने बनाया था। धौलपुर में आपसे पूछ ले तो याद रखना निहाल टावर कहाँ है, धौलपुर में। चलिए निहाल टावर के बाद हम करौली एक बार छोड़ दीजिए, इधर से अपन बात करते हैं, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ, करौली की यदि हम बात करें, है ना, तो करौली में एक तो केला देवी का मंदिर है, केला देवी मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी है, तो करौली में बोरा भगत की छतरी है। गोपाल सिंह करौली का राजा होता है, तो गोपाल सिंह की छतरी, तो मैं लिख रहा हूँ करौली में ध्यान रखना बोहरा भगत की छतरी है, बोहरा भगत की छतरी और याद रखना गोपाल सिंह की छतरी, तो करौली में केला देवी मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी और गोपाल सिंह की छतरी। करौली के बाद में लिख रहा हूँ, ये याद रखिए सवाई माधोपुर है, तो सवाई माधोपुर में यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, सवाई माधोपुर की छतरियों की बात करें तो आपको याद होगा एक तो रणथंभौर दुर्ग जो के पास कुकर घाटी में कुत्ते की छतरी है, शिवलिंग की छतरी है, अधूरा सौपन है, और हट्टी हमीर जो रणथंभौर किले में एक बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे, आपको याद होगा रणथंभौर का पहला साका विवाह, तो हमीर के पिता जैत्र सिंह थे जिन्होंने 32 साल शासन किया, तो अपने पिता जैत्र सिंह के 32 साल के शासन की स्मृति में हमीर ये जो है चौहान रणथंभौर किले में 32 खम्भों की छतरी बनाते हैं। तो सारा लिख देता हूँ मैं, एक तो याद रखिए कुत्ते की छतरी, उसके अलावा शिवलिंग की छतरी, ऐसे याद रखिए हमीर चौहान भगवान शिव का बहुत तगड़ा भक्त था, तो शिवलिंग की छतरी, अधूरा सौपन की छतरी और याद रख लीजिए जैत्र सिंह की 32 खम्भों की छतरी। तो स्वयंमाधोपुर में कुत्ते की छतरी, शिवलिंग की छतरी, अधूरा सौपन, जैत्र सिंह की 32 खम्भों की छतरी याद रह जाएगा, तो ये आपका स्वयंमाधोपुर हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो छतरियाँ पढ़ी है फटाफट बता देता हूँ, बीकानेर में देवीकुंड सागर, बिक्का, कल्याणमल, गंगा सिंह, टेसीटोरी, जैसलमेर, बड़ा बाग, पालीवाल और मुमलमेड़ी, लोधरवा में, स्वयंमाधोपुर में कुत्ते की छतरी, शिवलिंग की छतरी, जैत्र सिंह की छतरी, अधूरा सौपन, जैत्र सिंह 32 खम्भों की छतरी। करौली की बात करें बोरा भक्त सिंपल है, गोपाल सिंह की छतरी। करौली की बात धौलपुर में निहाल टावर है, फिर भरतपुर में अकबर की छतरी, अलवर में टहला, नेड़ा, मुसी महारानी 80 खम्भों की छतरी, बख्तावर सिंह की छतरी, जयपुर में आपको याद है गेटोर की छतरियाँ, मानसिंह स्मारक, हाड़ीपुरा और अमर जवान ज्योति स्मारक, ईसर लाठी, असरगा सुली। तो ये हमने प्रमुख छतरियाँ अभी पढ़ा है, नेक्स्ट में और देखते हैं और कौन कौन सी छतरियाँ हमारे राजस्थान में है। बहुत ईजी है, आप तो बिल्कुल सुनते चलिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ ये जिला है बारह की यदि हम बात करें, ध्यान रखना बारह में है नाथू सिंह की छतरी, बारह में याद रख लीजिए नाथू सिंह की छतरी,
बिल्कुल जी, ये आपका झालावाड़ है। झालावाड़ में आपको याद होगा पीपा की छतरी है, गागरौन में पीपा की छतरी कहाँ हो जाएगा, गागरौन दुर्ग में संत पीपा की छतरी, ठीक है। फिर आप आ जाइए भीलवाड़ा के अंदर। यदि भीलवाड़ा की हम लोग बात करें, बहुत ईजी, आप तो सुनते चलिए मानचित्र के माध्यम से। भीलवाड़ा में एक तो जोध सिंह की छतरी हो जाएगा, और जो डेड बॉडी सांगा की डेड बॉडी मांडलगढ़ में लाए थे, मांडलगढ़ में सांगा की समाधि मांडदी। तो सबसे पहले तो मैं भीलवाड़ा में मांडलगढ़ लिख रहा हूँ कि मांडलगढ़ में कौन कौन सी छतरी है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में याद रख लीजिए, एक तो सांगा की छतरी है, सांगा की समाधि। एक जब महाराणा प्रताप आपको पढ़ाया था, जगन्नाथ कच्छावा आता है मेवाड़ अभियान पर, रही मृत्यु जाती है, तो जगन्नाथ कच्छावा की 32 खमों की छतरी भी यही है। जगन्नाथ कछवा की, ये ध्यान रखना, 32 खमों की छतरी है। जगन्नाथ कछवा की 32 खमों की छतरी, ये भी यही है, ठीक है। और सुनिए और क्या क्या है, और याद रखना, जोध सिंह की छतरी भीलवाड़ा में, जोध सिंह की छतरी, जोध सिंह की छतरी के अलावा याद रखना धाबाई की छतरी, सॉरी गंगाबाई, धाबाई नहीं, जोध सिंह के अलावा याद रखिए गंगाबाई की छतरी, ठीक है। तो जोध सिंह की छतरी, गंगाबाई की छतरी, सांगा की समाधि और जगन्नाथ कच्छा की 32 खमों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, क्लियर है। फिर मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए चित्तौड़गढ़ है, तो मैं फिर लिख रहा हूँ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ बहुत सिंपल है, चित्तौड़ में आप ऐसे याद रखिए कि चित्तौड़गढ़ तो आपको याद ही है। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में कौन शहीद हुए, रावत बाघ सिंह। तो दूसरे साके में शहीद होने वाले बाघ सिंह की छतरी यही हो जाएगी, बाघ सिंह की छतरी। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में शहीद होने वाले जयमल कल्ला और फत्ता, तो तीनों ही है, जयमल कल्ला और फतेह की छतरियाँ। तो दूसरे और तीसरे साके में शहीद होने वाले, दूसरे में बाघ सिंह की छतरी, तीसरे में जयमल कल्ला और फतेह की छतरी, ये कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा। सिंपल है, एक कुंभा की पत्नी थी, सॉरी पुत्री थी, कुंभा की पुत्री रमाबाई, वो उसके विवाह की जो चंवरी है उसको अपन क्यों बोलते हैं, श्रृंगार चंवरी। तो याद रख लें श्रृंगार चंवरी भी आपसे पूछ ले, श्रृंगार चंवरी तो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान रखना एक श्रृंगार चौकी है, वो तख्त सिंह ने बनाई थी मेहरानगढ़ में। चलिए ये भी हो गया। चित्तौड़गढ़ के बाद हम बात करें तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कुछ नहीं, उदयपुर में आ जाइए आप। तो उदयपुर लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट, उदयपुर में कौन कौन सी छतरी है। उदयपुर मैंने आपको वैसे बता रखा है, उदयपुर वैसे मैंने बता रखा है, ये आपकी कौन सी झील है, पिछोला झील है, और यहाँ क्या है, राजमहल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पिछोला झील और पिछोला झील के किनारे राजमहल बना हुआ है, आपको याद होगा। इस पिछोला झील में एक चबूतरा बनाया, लाखा के टाइम की घटना मैंने बताया था, और वो चबूतरा क्या है, गल की नटनी का चबूतरा। तो याद रखिए गल की नटनी का चबूतरा, तो उदयपुर में याद रखना गल की नटनी का चबूतरा, गल की नटनी, गल की नटनी का चबूतरा, ये कहाँ हो जाएगा, पिछोला झील उदयपुर में हो जाएगा। इसके अलावा उदयपुर में गफूर बाबा की मजार है, तो याद रख लीजिए गफूर बाबा, गफूर बाबा की मजार, ठीक है। तो उदयपुर शहर में पिछोला झील में गल की नटनी का चबूतरा, गफूर बाबा की मजार। अब जरा आइए उदयपुर के जो मेवाड़ महाराणा का जो शाही शमशान घाट है वो है आहाड़ में। तो मैं लिख रहा हूँ ये आहाड़ की बहुत सारी है, उनको क्या बोलते हैं छतरियाँ, उनको बोलते हैं आहाड़ की महासतियाँ। तो याद रख लीजिए उदयपुर में आहाड़, तो आहाड़ की महासतियाँ, जिसमें पहली छतरी किसकी है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, सॉरी अमर सिंह की छतरी है। क्योंकि आपको पता है मेवाड़ मुगल जो संधि अमर सिंह के टाइम होते, तो अमर सिंह के टाइम शांति स्थापित हो जाते, तो अमर सिंह की छतरी है वो पहली छतरी आहाड़ की महासतियों में। उससे पहले जो लोग थे वो जहाँ थे वहीं मृत्यु जाती, वहीं, जैसे आपको याद होगा आपसे पूछ ले उदय सिंह की छतरी, तो उदय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, गोगुंदा, तो मैं लिख रहा हूँ गोगुंदा। आपसे पूछ ले कि उदय सिंह के बाद, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप की बात करें, तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, महाराणा प्रताप की छतरी है बाडोली उदयपुर में, और आपको याद होगा बाडोली में केजड़ बांध, तो बाडोली के केजड़ बांध में, केजड़ बाडोली के केजड़ बांध के पास महाराणा प्रताप की छतरी है।
तो याद रखिए उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में, महाराणा प्रताप की छतरी बाडोली केजेड बांध और आहाड़, ये इनका शाही शमशान गार्डन से पहली छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी, गफूर बाबा के मजार और गलकी नटने का चबूतरा पिछला झील। उदयपुर याद हो गया आपका। उदयपुर के बाद आप आइए नेक्स्ट राजसमंद की बात कर लें, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ राजसमंद। राजसमंद बहुत ईजी है। देखो राजसमंद में यदि आपसे पूछ ले, आपको याद होगा हल्दीघाटी के युद्ध यहीं हुआ था, कुमलगढ़ किला यहीं है। तो कुमलगढ़ के किले में उड़ाणा पृथ्वीराज, जो सांगा के बड़े भाई उड़ाणा राजकुमार, उनकी छतरी है। तो उड़ाणा पृथ्वीराज की छतरी, तो याद रखिए उड़ाणा पृथ्वीराज की छतरी कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी कुंभलगढ़, कहाँ हो जाएगी कुंभलगढ़। तो उड़ाणा पृथ्वीराज की छतरी तो कुमलगढ़ हो जाएगी। चेतक की समाधि बालिचा गांव, ये आपको मैंने बताया था है ना, महाराणा प्रताप पढ़ाया था। चेतक की समाधि कहाँ हो जाएगी, बालिचा, और बालिचा कहाँ है, राजसमंद, ये याद रखिए। राजसमंद दो है, चेतक हल्दीघाटी युद्ध के बाद घायल होने के बाद 22 फीट का नाला पार करते हैं, वहीं मृत्यु हो जाती है। तो चेतक की समाधि बालिचा गांव और राजसमंद, और आपसे पूछ ले उड़ाणा पृथ्वीराज, उड़ाणा पृथ्वीराज का जो छतरी है वो कहाँ है, कुमलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम आए पाली, पाली की बात कर लेते हैं। तो पाली वाला भी सिंपल है, आपको याद होगा 1857 की क्रांति की दो विजय स्तंभ आपको पढ़ा रखा है। 1857 में हमने दो युद्ध जीते थे, किसने, अवा के कुशाल सिंह चंपावत ने, बिथोड़ा और चेलावास। तो बिथोड़ा या चेलावास युद्ध की स्मृति में 1857 के दो विजय स्तंभ पाली में। इसके अलावा मेवाड़ का प्रताप चंद्रसेन, चंद्रसेन मुगलों से संघर्ष करते हुए अंतिम समय में पाली की सारण की सचियाप की पहाड़ियों में मृत्यु जाती है 1521, आपको याद है। तो चंद्रसेन का स्मारक पाली में हो जाएगा। और एक 1857 की मैं लिख देता हूँ, 1857 क्रांति के दो विजय स्तंभ, ये कहाँ हो जाएगा, ये पाली में, और कौन सा, चंद्रसेन स्मारक, और यहाँ पाली में कौन सा है, सारण की पहाड़ियों में पाली, ठीक है। तो पाली में 1857 क्रांति के दो विजय स्तंभ और चंद्रसेन का आपका क्या हो जाएगा, स्मारक। तो यहाँ तक हमने देखा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे और कौन कौन से जिले जो बच गए जहाँ से हमें छतरियाँ देखना है। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे कोटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे बूंदी, है ना। तो कोटा और बूंदी की देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोटा। देखो कोटा की यदि हम बात करें तो कोटा के शाही शमशान घाट है वो एक शारबा की छतरियाँ, यह याद रखो, कोट ने एक शार हूँ दोहा, तो शारबा की छतरियाँ कोटा और छत्रविलास की छतरियाँ। तो छत्रविलास की छतरियाँ और शारबा कोटा। बात कराला बूंदी की, बूंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बूंदी में पके, बूंदी और केसर आप ऐसे याद रख लीजिए, बूंदी और केसर। तो केसर बाग की छतरी, ये उनका शाही शमशान घाट है, पूछेंगे बूंदी केसर, बूंदी केसर याद रह जाएगा, बूंदी में केसर बाग की छतरियाँ। बूंदी में घासफूस नहीं गिरना चाहिए, तो याद रखो घासफूस की छतरी, घासफूस की छतरी। और क्या, बूंदी आप धा धा घामा मतलब धा बाई की छतरी, धा बाई की छतरी, ठीक है। और बूंदी में याद रख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट 84 खम्भों की छतरी, तो याद रख लीजिए 84 खम्भों की छतरी। 80 खम्भों की छतरी ध्यान रहे अलग है, 80 तो मुस्सी महाराणा की छतरी, वो तो अलवर में, 84 खम्भों की छतरी बूंदी, बूंदी में केसरबाग, घासफूस, धाबाई की छतरी और 84 खम्भों की छतरी। और समझिए, बूंदी कोटा हो गया, बूंदी हो गया, और जो रियासतें सॉरी जो बच गए जिले उनसे अपन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा पाली हो गया, अब जोधपुर की बात कर ले, तो ये देखिए जोधपुर की छतरियाँ आपको बता देते हैं। देखो जोधपुर की यदि यहाँ पर बात कराना, तो जोधपुर को शाही शमशान घाट है वो तो है पंचकुंड, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले पंचकुंड की छतरियाँ जोधपुर में, ध्यान रखिए पंचकुंड की छतरी जोधपुर में, पंचकुंड की छतरी के अलावा मंडोर के देवलिया छतरियाँ, तो बहुत से लोगों में मंडोर में भी क्या है छतरियाँ, तो वो तो नाम से पता लग जाएगा, पंचकुंड की छतरी इंपॉर्टेंट है। तो जोधपुर का शाही शमशान घाट, तो पंचकुंड की छतरी, मंडोर की छतरी,
मंडोर के अंदर यहाँ पर याद रखना है जसवंत थड़ा है, वो एक छतरी नहीं छतरा हो गया जसवंत थड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आप यदि जोधपुर गए हो तो मेरे मेहरानगढ़ के सामने एक पहाड़ी पर एक होबू ताजमहल जैसी जो आकृति में दिखती है एक संरचना लाल पत्थर से बनाया हुआ है, और वो है जसवंत थड़ा। क्या है ये? जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में उसके पुत्र सरदार सिंह ने 1906 में बनाया था, और ये जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ये एक छतरी एक टाइप से, उसके अलावा कागा की छतरी, इसके अलावा रानी सूर्य कंवर की छतरी। देखो सूर्य नगरी या सन सिटी जोधपुर को कहेंगे तो सूर्य कंवर की छतरी हो जाएगी। गोरा या रूपा धाई की छतरी, गोरा और रूपा धाई की क्या है छतरी, तो गोरा रूपा धाई की छतरी भी यही हो जाएगा। इसके अलावा और यदि हम बात करें मामा भांजा जिसे धन्ना भीमा की छतरी भी कहते हैं, तो मामा भांजा या धन्ना भीमा की छतरी, धन्ना भीमा की छतरी। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब पीएम की छतरी और सेनापति की छतरी, और आपको पता है सेनापति की छतरी पीएम और सेनापति पीएम के अलावा याद रहता है। दुर्गादास राठौड़ के पिता थे आसकरण, तो आसकरण की छतरी भी जोधपुर में है ना, तो मैं लिख देता हूँ किसकी छतरी, आसकरण, आसकरण, आसकरण की छतरी। ठीक है, तो देखो जोधपुर में किसकी छतरी है, पंचकुंड की छतरी तो याद रखनी है, बिंग बाद में मंडोर की छतरियाँ, आजकरण की छतरी, जसवंत थड़ा से राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, कागा की छतरी, सूर्य कंवर रानी की छतरी, गोरा रूपा धाई की छतरी, मामा भांजा या धन्ना भीमा की छतरी, और सेनापति और प्रधानमंत्री की छतरी, सब के सब कहाँ हैं जोधपुर में। ठीक है, अब बात करें नागौर की। देखो मैं नागौर की छतरियाँ आपको बता देता हूँ। नागौर याद आया, नागौर का जो एक जागीरदार था ना अमर सिंह राठौड़ है ना, जिद्दी अड़ियल झगड़ालू जो प्रवृत्ति का व्यक्ति था अमर सिंह राठौड़, तो अमर सिंह राठौड़ की 16 कौमी की छतरी नागौर में। बिंग अलावा लाछा गुजरी की छतरी, अरे लाछा गुजरी तो थी अजमेर के, लेकिन तेजाजी ने उनकी गायें छुड़वा के लाए थे तो छतरी नागौर वाले बनाते हैं, तो लाछा गुजरी की छतरी याद रह जाएगा। और जयप्पा सिंधिया की छतरी, तो नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी तो याद रहे, जैसे अमर सिंह राठौड़ की छतरी और लाछा गुजरी, गुजरी की छतरी और जयपा, जयपा सिंधिया की छतरी, जयपा सिंधिया की छतरी। अब बच गया आपका, मैं लिख रहा हूं ए मतलब अजमेर, तो अजमेर में देखो कौन कौन सी छतरी है, अजमेर में समझिए अजमेर का किला तारागढ़, और तारागढ़ में मालदेव की रानी जो लूणकर्ण भाटी जैसलमेर की पुत्री थी उमादेव, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो मालदेव की मृत्यु के बाद उसके पगड़ी के साथ सती हो जाती है, तो वहीं तारागढ़ में रही, तो तारागढ़ में रूठी रानी की छतरी, तो मैं लिख देता हूं अजमेर में रूठी रानी, तो अजमेर में याद रख लीजिए कौन सी रानी, रूठी रानी की छतरी कहाँ है तारागढ़। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ का राजा था, तो पृथ्वीराज स्मारक, पृथ्वीराज स्मारक। दाहर सेन स्मारक अजमेर में हो जाएगा, याद रह जाएगा। घोड़े की मजार, वैसे आपको बता रखा है घोड़े की मजार और मीरान साहब की दरगाह, ये आपको बता रखा है यही है। और आंतेड़ की छतरियां, आंतेड़ की छतरी, ठीक है, तो याद रख लीजिए। कैसे याद रखना है, अजमेर के अंदर रूठी रानी तारागढ़ में रही, रूठी रानी की छतरी, पृथ्वीराज वहाँ का राजा चौहान, पृथ्वीराज का स्मारक, दाहर सेन स्मारक याद रह जाएगा, घोड़े की मजार और मीरान साहब की दरगाह आपको आपको पढ़ा रखा है। आंतेड़ की छतरी कैसे याद रखना है, आंतड़ा निकल जाओ है, पढ़ता पढ़ता क्योंकि आरपीएससी बहुत पेपर ले है ना, तो याद रखना, रीजनल पेपर भी माध्यम शिक्षा बोर्ड ले दोनों बैठी है ना, तो याद रख लीजिए आंतेड़ की छतरी। नेक्स्ट आप याद रखना है अजमेर हो गया, राजसमंद हो गया, चलो तो ए कुल मिला के इतनी छतरी यहाँ पर ने याद रखनी है। हाँ झुंझुनू की यहाँ पर बात कौन करी, झुंझुनू के अंदर और देख लें, तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ झुंझुनू, झुंझुनू की यदि यहाँ पर बात करा, देखो झुंझुनू के अंदर आप याद रखना है कि झुंझुनू में राव सेखा, जो सेखावाटी क्षेत्र के संस्थापक राव सेखा और उनके वंश सेखावत कहलाए, उनके द्वारा शासित प्रदेश सेखावाटी कहलाया,
तो राव शेखा की छतरी और एक जोगीदास की छतरी झुंझुनू में, याद रखो। तो राव शेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, राव शेखा की छतरी और जोगीदास की छतरी, राव शेखा की छतरी और जोगीदास की छतरी कहाँ हो जाएगा? झुंझुनू में, ठीक है। राव शेखा की छतरी और जोगीदास की छतरी कहाँ हो जाएगा? झुंझुनू में, क्लियर है। इसके अलावा गंगानगर मार्केट में कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चूरू और झुंझुनू सीकर हमने देख लिया, जयपुर देख लिया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वाइमादपुर सब देख लिया। तो कुल मिला के दौसा का थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। आंतरिक जिलों में दौसा थोड़ा बच रहा है। दौसा की यदि हम बात करें, दौसा में आपको याद होगा बंजारों की छह खमों की छतरी लाल सोट में, तो दौसा में याद रखिए बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी कितने खमों की है? छह खमों की छतरी है। और याद रखना ये दौसा के अंदर है, लाल सोट एक कस्बा पड़ता है, लाल सोट दौसा, तो लाल सोट दौसा में इनकी छतरी हो जाएगी, क्लियर है। तो कुल मिला के हमने ये छतरियाँ पढ़ ली जो राजस्थान की छतरी है। इनके अलावा राजस्थान में जो अंदर राजस्थान प्रांत में जो छतरियाँ थी जो रियासतों की, सब हमने देखा। इसके अलावा याद रखिए राजस्थान के कुछ जो व्यक्ति हैं जिनकी स्मृति में बार जिनकी मृत्यु जाती है या उनकी स्मृति में राजस्थान से बार भी छतरियाँ बना रखी है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे बार वाली जो छतरियाँ हैं उनमें। आप देखो ये राजस्थान है, राजस्थान में एक रियासत है किशनगढ़, राठौड़ रियासत है अजमेर में, राठौड़ रियासत उनके जो किशनगढ़ के थे कृष्ण भक्त राजा हुए थे नागरीदास सावंत सिंह और उसकी पत्नी बड़ी ठणी, उनकी जो छतरी है वो वृंदावन चले गए थे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, तो यूपी में वृंदावन में इनकी छतरी है। तो मैं लिख देता हूँ कि इनकी छतरी नागरीदास सावंत सिंह, नागरीदास या सावंत सिंह प्लस बड़ी ठणी की छतरी, बड़ी ठणी की छतरी, याद रख लीजिए ये यूपी के अंदर कहाँ है? वृंदावन, ठीक है, ये याद रख लीजिए। उसके बाद एक हमारा जोधपुर जो रियासत है उनके जो वे थे स्वामी भक्त मंत्री दीवान कह सकते हैं, मारवाड़ का अणमिंद या मोती, मारवाड़ का चाणक्य, राठौड़ों का यूलिसस वीरवर दुर्गादास राठौड़, वो जोधपुर से मेवाड़ आए कुछ टाइम तक रहे, मेवाड़ से कहाँ गए? उज्जैन आ गए। और उज्जैन में याद रख लीजिए उज्जैन है एमपी में, और वहाँ छिपरा नदी के किनारे 1718 में की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछ ले कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है, तो याद रख लीजिए दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो है उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे है? याद रखिए छिपरा नदी, जो चंबल की सहायक नदी है, और एमपी में है दुर्गादास राठौड़ की छतरी, क्लियर है। और सुनिए जरा, हमारे अजमेर के अंतिम चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय जो कहाँ चले गए? कहा जाता है कि उनको कैद करके त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद और महमूद गजनवी सॉरी मोहम्मद गोरी उनको कहाँ ले गया? अफगानिस्तान ले गया, गजनी ले गया, और वहाँ फिर वो आपको याद होगा कि वहाँ उनको यातना दे के मार दिया गया था, जो आपस में जो क्या बोलते हैं इनको, जो है ना हमारे पृथ्वीराज तृतीय का मित्र चंद्रबरदाई वो मिलने के लिए गया, और ये जो कहानी मिलती है तो वहाँ गजनी के अंदर पृथ्वीराज की छतरी है, अफगानिस्तानी है ना। तो आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान छतरी, ये जो पृथ्वीराज चौहान की छतरी याद रख लीजिए गजनी, और गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में, है ना, ये आप को ध्यान रखना है। शेर सिंह राणा ने इनको वहाँ गजनी से हड्डियाँ निकाल कर लाया था, शेर सिंह राणा ने काफ़ी सुर्खियों में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गजनी ले जाया गया पृथ्वीराज तृतीय को, ये जो कहानी मिलती है, तो एक छतरी वहाँ आप याद रख सकते हो। उसके अलावा दुर्गादास राठौड़ की छतरी आप याद रख सकते हो उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे एमपी में, और नागरीदास या सावंत सिंह की छतरी आप याद रख सकते हो वृंदावन का है यूपी में। तो ये कुछ खास छतरियाँ थी जो राजस्थान से क्या है बाहर है। तो ये पूरा टॉपिक जो था ये था हमने पढ़ा राजस्थान में छतरियाँ। तो दो टाइप से सवाल बन सकते हैं, साई शमशान घाट है राज परिवार का वो भी पूछ सकते हैं, और या महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसकी स्मृति में कोई छतरी है तो वो पूछ सकते हैं। प्रयास किया कि पूरा जो टॉपिक है बहुत कंसाइज करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्जाम से इससे जुड़ा हुआ सवाल कोई आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, थैंक यू।